हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आज की वीडियो में आपके लिए लेके आऊँगी कैसे यहाँ पे डायल पैड टोन को डिसेबल कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, मैं आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट कर लेने से पहले लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो गाइस, आपको क्या लेना है, आपका हमें जाना गाइस मॉल सेटिंग के आइकन में। तो गाइस, यहाँ पे हम मॉल सेटिंग के आइकन में चलते हैं। तो गाइस, जैसे मैं आपको बता दूँ, गाइस यहाँ पे आपको काफ़ी सारी फंक्शन दिए गए हैं, आइकन दिए गए, जिसमें से गाइस आपको यहाँ पे मॉल सेटिंग आइकन मिल जाएगा। तो गाइस, जैसे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे गाइस आपको मॉल सेटिंग आइकन दिया गया है, जिसको हम यहाँ पहले ओपन। तो गाइस, यहाँ पे मैंने इसको ओपन कर लिया है। तो गाइस, ओपन कर लेने के बाद आप गाइस देख सकते हैं यहाँ पे आपको काफ़ी सारी फंक्शन दिए गए हैं, जिसमें से गाइस आपको क्या लेना है, यहाँ पे आपको जाना है साउंड ऑफ वाइब्रेशन में। तो गाइस, यहाँ पे हम साउंड ऑफ वाइब्रेशन में चल देंगे। तो गाइस, यहाँ पे आपको साउंड ऑफ वाइब्रेशन के ऑप्शन को मैंने ओपन कर लिया है। ओपन कर लेने के बाद आपको गाइस क्या कर लेना है, जैसे गाइस मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आपको गाइस जाना है नीचे। नीचे जाना है, आपको डायल पैड टोन दिया है, इसको मैं क्या लेना है डिसेबल। तो गाइस, यहाँ पे मैंने डिसेबल कर लिया है। तो गाइस, यहीं पे मेरी वीडियो समाप्त हो जाती है और अगली वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।